नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, 5 डेली क्वेश्चन सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे और आपके टॉपिक पे बेस्ड होंगे, जिससे आपके टॉपिक क्लियर होंगे। दोस्तों, ये इन क्वेश्चनों को इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करता है, जिसमें BHU BSc मैथ, BHU BSc AG, BHU BSc बायो, BHU BSc नर्सिंग, BA आर्ट्स एंड सोशल, BA LLB और LLB के कोर्स शामिल हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं अब पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करूं, उससे पहले आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है अपना पहला क्वेश्चन जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहता है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमसे कहता है रिप्रेजेंटेड बिलो इज द सर्टेन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वैस्कुलर बंडल। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 11th क्लास के मॉर्फोल एनाटॉमी चैप्टर से लिया गया है, और आप लोग की डिमांड थी कि बॉटनी के क्वेश्चंस आने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ताकि एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें मैं नीचे एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो है नीचे जो है हमारा, ये तो क्या है, जाइलम है, और ऊपर क्या है, ये फ्लोएम है। तो दरअसल ये आप क्वेश्चन जो है आपसे कुछ रटा हुआ चीज़ नहीं पूछना चाहता, ये आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको कि यह कौन सा आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है। तो देखिए, होता क्या, वैस्कुलर बंडल में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो रेडियल और एक होता कंजॉइंट। ठीक है, तो रेडियल में क्या होता है दोस्तों, रेडियल में जब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की, तो वो क्या होता है, दो अलग अलग रेडियस पे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे ये एक वैस्कुलर बंडल है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये देखिए, अगर जाइलम यहाँ है, जाइलम क्या है दोस्तों, अगर यहाँ है, मान लीजिए ये जाइलम है, तो फ्लोएम कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो देख रहे हैं आप, अलग अलग रेडियस पे है। जैसे मैं कि सर्कल बनाता हूं, तो इसमें देखिए, अगर मैं चीजें एक ही रेडियस पे बनाता हूं तो वो क्या होगा, एक ही रेडियस पे बनाता हूं तो कंजॉइंट होगा, और अगर अलग अलग रेडियस पे बनाता हूं क्या होगा, रेडियल होगा। तो ये देखिए, इसमें क्या है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे है, ये मैं अगर सेंटर मानूं तो ये रेडियस अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसी तरह से जब अलग अलग रेडियस पे अगर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को रेडियल बोला जाता है। और जब दोनों एक ही पे प्रेजेंट है, जैसे कि इस केस में क्या है, अगर मैं ये बना रहा हूँ जाइलम और फ्लोएम, देखिए अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, तो दोनों क्या एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। ऐसे में दूसरा भी बनाऊंगा तो यही होगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होगा। तो अगर इस तरह का आपको वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंजॉइंट। ठीक है, तो रेडियल कंजॉइंट में दो ही ये फर्क है कि रेडियस का, कि एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो क्या कहलाएंगे, कंजॉइंट। तो ये हमें पता चल गया इस तरह के। अब हम बात करेंगे कि रेडियल किस में पाया जाता है और कंजॉइंट किस में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडियल जो है वो पाया जाता है रूट में, ये पाया जाता है रूट में, याद करने का टर्म है आर और आर। ठीक है, आप याद कर सकते हैं रेडियल किस में होता है, रूट में, और कंजॉइंट किस में होता है, स्टेम में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि और इसमें क्या हमें दिख रहा है, तो और मैं आपको बताऊंगा वैस्कुलर बंडल में अगर हम आगे बात करते हैं, तो वैस्कुलर बंडल का आगे हम और बात अगर उसमें जोड़ें, तो उसमें हम जोड़ सकते हैं ओपन टाइप या क्लोज टाइप, कि कौन सा टाइप है उसका, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है। तो ओपन टाइप का मतलब होता है जिसमें लगातार डिवीजन होता रहे, जो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कैम्बियम की जरूरत होती है। तो अगर वैस्कुलर बंडल आपको इस तरह का दिखाई दे, इस तरह का दिखाई दे जिसमें कि बीच में कैम्बियम बना हुआ है, ये बीच में अगर कैम्बियम बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, लगातार डिवीजन होता रहेगा, मतलब इसमें सेकेंडरी डिवीजन होता रहेगा, ये नीचे जाइलम और ऊपर फ्लोएम,
और ये बीच में कैम्बियम। तो अगर इस तरह का है तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओपन टाइप। और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप बोलते हैं। तो ये आपको पता चले, तो इस अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको कहीं भी कैम्बियम नजर नहीं आ रहा है, तो कैम्बियम नजर नहीं आ रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, क्लोज टाइप है। तो हमें दो चीजें इसके बारे में पता चल गई कि एक तो ये क्या है, कंजॉइंट है, और दूसरा क्या है ओपन टाइप है। ठीक है, हमने इसके बारे में दो चीजें पता कर ली है, एक तो क्या है ये कंजॉइंट है और दूसरा क्या है ये ओपन टाइप है। दो चीजें हमें इसके बारे में पता चल गई। अब इस दो चीज से हम अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ओपन टाइप जो होता है जिसमें लगातार सेकेंडरी डिवीजन होता है, वो किस में पाया जाता है, डाइकोट स्टेम या रूट में। डाइकोट स्टेम या रूट में ओपन टाइप पाया जाता है क्योंकि उसमें लगातार सेकेंडरी डिवीजन, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लगातार डिवीजन होता रहता है। जबकि मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उसमें आप जानते हैं कि वो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब चौड़ाई में, उनकी चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती, उनकी मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। आप जो भी आम का पेड़ देखते हैं, जो भी देखते हैं, कितने मोटे होते हैं। जबकि जो आप मोनोकोट प्लांट्स देखेंगे, जैसे कि यहां से ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेज यानी कि आपका मक्का, तो उसमें क्या होता है, उस प्लांट को अगर आप देखेंगे तो मोटाई में नहीं बढ़ता, सिर्फ लंबाई में बढ़ता है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती है। तो जिसमें मोटाई नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैम्बियम। तो जिसमें कैम्बियम होगा वही होगा, तो और कैम्बियम वाले को हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप। तो हमारे पास क्या है, ये जो है इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें दो चीज़ें इसके बारे में पता चली हैं कि ये क्या है, एक तो रेडियल है। रेडियल क्यों है दोस्तों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों एक ही रेडियस में प्रेजेंट है, और ये क्लोज टाइप है। तो क्लोज क्यों है, क्योंकि कैम्बियम नहीं है। तो दो चीजें हमें इस डायग्राम को देख करके पता चल गई कि एक तो ये रेडियल है, दूसरा क्लोज है। ठीक है, तो रेडियल से हमें क्या पता चला, रेडियल नहीं, ये क्या है, कंजॉइंट है। जब सेम रेडियस पे होता है तो क्या होता है, कंजॉइंट। ठीक है, और जब अलग अलग रेडियस पे होता है तो क्या होता है, रेडियल। तो ये क्या है, कंजॉइंट है, दूसरा क्या है, ये क्लोज है। दो चीजें हमें इसके बारे में पता चली गई। तो मैंने आपको बताया कि रेडियल वाला जो टाइप है जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं, वो किसमें होता है, रूट में। तो ये तो कंफर्म हो गया इस डायग्राम को देख करके कि ये दोनों एक ही रेडियस पे है, जाइलम और फ्लोएम। बाहर फ्लोएम है बाहर की तरफ, अंदर तरफ जाइलम है, पर है एक ही रेडियस पे। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये रेडियल नहीं है, मतलब ये रूट नहीं है, और ये कंजॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेम है। तो ये स्टेम है, ये कंफर्म हो गया। अब हमें स्टेम, अब ये स्टेम दोनों का हो सकता है, मोनोकोट में भी स्टेम होता है, डाइकोट में भी स्टेम होता है, तो किसका है, ये कंफर्म करने के लिए हम किस पे जाएंगे, हमारे कैम्बियम पे। क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है तो इसका मतलब ये क्लोज टाइप है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनोकोट हो गया, ये क्या हो गया, मोनोकोट हो गया। और कंजॉइंट से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, स्टेम है। ठीक है, दो चीजें हमें पता चल गई। अब हम अपना आंसर ढूंढ लेंगे। तो देखिए, रूट वाले जो ऑप्शन है वो मैं सबसे पहले काट दूंगा, रूट वाला ऑप्शन ही एक था, वो कट गया। अब हम आते हैं कि क्या हमारे मोनोकोट एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए, कुकुरबिटा जो है ये भी डाइकोट होता है, सनफ्लावर जो है ये भी डाइकोट होता है। तो मोनोकोट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेज। ये क्या है, मोनोकोट होते हैं। जितने भी खाने पीने की जो हमारी जो अन्न है, जैसे गेहूं धान, ये सारे भी किस में आते हैं, मोनोकोट में आते हैं। तो वो जो मोनोकोट है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, मेज स्टेम, क्योंकि ये क्या है, मोनोकोट है और स्टेम है। तो ये हमारा यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खत्म हुआ। इसके साथ अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा लिया गया है क्लास 12th से। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड की लेकिन बात कर रहा है, नॉन टेम्पलेट की बात कर रहा है वो, डीएनए के दो होते टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, तो नॉन टेम्पलेट की वो बात कर रहा है। तो डीएनए की नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की वो बात कर रहा है, जिसका कि उसने हमें दिया हुआ है बेस सीक्वेंस उसने हमें दे दिया है, और हमसे एमआरएनए का सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं,
जो डीएनए है किसी भी चीज का, अब डीएनए है उसके नॉन, उसमें दो सीक्वेंस होती हैं, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए है, ये मान लीजिए ये डीएनए क्या होता है, शुरू में मान लीजिए डीएनए पूरा, इसी पे जो है ये नाइट्रोजन बेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। आप कोडोन जानते हैं, तीन नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, जैसे कि हम हमारे इस ऑप्शन में दे भी रखा है, सी ए जी टी सी जी जी ए टी, ये सब क्या है, कोडोन है, और जो सी है वो क्या है, बेस है, ए क्या है, बेस है, जी क्या है, बेस है, साइटोसिन एडिनिन ग्वानिन ये सब क्या है, बेस है। तो तीन बेस को मिला के एक कोडोन बनता है, वही कोडोन इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी कोडिंग होती है और जिससे एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन ये क्या है, डीएनए अभी क्लोज है, तो इसको ये क्या होता है, जब इसका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये खुलता है जब, तो ये धीरे धीरे खुलता है, पूरा एकदम से नहीं खुलता है, ठीक है ना। तो हम इसे रेप्लिकेशन फॉर्क भी बोलते हैं, जिसमें कि रेप्लिकेशन होता है। ये दो स्ट्रैंड होते हैं दोस्तों, दो स्ट्रैंड। अब एक होता है 3' to 5', और दूसरा होता है 3' to 3', ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से इसे मत लीजिएगा, ये नीचे से हम लोग चल रहे हैं ना, नीचे से पहले खोल रहे हैं, ये पूरा जो है पूरा पहले क्लोज है, जैसे जैसे धीरे धीरे उसके जो दोनों लड़ियां हैं ये खुलेंगी, दोनों स्ट्रैंड जो है इसके खुलेंगे, और उसका धीरे धीरे रेप्लिकेशन होता है, ये आगे और खुल, जैसे ही यहाँ तक रेप्लिकेशन होगा ये आगे और खुल जाएगा, और फिर आगे रेप्लिकेशन होगा, तो इस तरह से होता है। तो इसमें दो स्ट्रैंड होती है, एक तो 5' to 3', और दूसरा 3' to 5', ठीक है। तो ये जो थ्री, हम इसको किधर से पढ़ेंगे, इधर से, तो ये क्या है 3' to 5', और ये क्या है 5' to 3', दो स्ट्रैंड हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इसको लीडिंग बोलते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और इसको लैगिंग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी जो रेप्लिकेशन, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, जो भी होता है वो हमेशा या रेप्लिकेशन, जो भी, तीनों प्रोसीजर आप याद रखिएगा, जब भी होता है उसकी डायरेक्शन 5' to 3' होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी आपसे क्वेश्चन आए, कुछ भी अगर नया बनेगा तो 5' to 3' के डायरेक्शन में ही बनेगा, इसमें कभी कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। कभी आप याद करते हैं उसको कि ये इधर से इधर होता है, वो इधर से उधर होता है, ऐसा बिल्कुल याद नहीं करना। नया कुछ भी बनेगा तो वो 5' to 3' बनेगा। अब उसी समय आपको देखिए कितनी आसानी से बताता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, कैसे समझना है। तो 3' to 5' जो ये है, तो आप जानते हैं जो भी रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो एक स्ट्रैंड है उसका दूसरा स्ट्रैंड तैयार होता है। अगर हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अगर दिया गया तो हम दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोडोन और एंटीकोडोन, उस जो कोडोन है उसका अपोजिट उसके सामने आ जाएगा, ये होता है। जैसे कि एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है, थायमिन से, और ग्वानिन किससे बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन से। तो अगर हमारे पास यहाँ ए है तो यहाँ सामने अपने आप टी आ जाएगा, यहाँ टी है तो अपने आप यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ जी है तो अपने आप सी आ जाएगा। तो अपने आप अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड है तो हम दूसरी स्ट्रैंड उसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी से हम अब ये बात करते हैं, ये जो हमारा पहला जो स्ट्रैंड है इसमें 3' to 5', तो कुछ भी नया बनेगा तो 5' to 3' बनेगा। तो इस तरह से ये मान लीजिए यहाँ इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इधर 5' है, इधर इसकी इस तरफ में 3' है। तो जैसे जैसे ये खुलता जाएगा ये आगे बढ़ता जाएगा, लगातार इसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता चला जाएगा, खुलता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा, ये होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रैंड की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होगी, जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी अपोजिट होगी, मतलब यहाँ 5' है तो दूसरा स्ट्रैंड का यहाँ क्या होगा, 3' होगा, और यहाँ 3' है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5' आना चाहिए। तो ये होगा, जैसे देखिए यहाँ 3' था तो यहाँ क्या गया, 5' दूसरे का, और यहाँ 5 थी, आगे लास्ट में इधर 3 होगा ही होगा, तो ये होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ भी नया बनेगा तो हमेशा डायरेक्शन यही होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ही चलाऊँ, 5' ही चलाऊँ इधर, तो देखिए ये गलत हो गया ना, इस 5' के सामने 5' तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो नया बनेगा उसकी डायरेक्शन जो है इस वाले की अपोजिट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ये इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि चलना तो हमेशा उसे 5 से 3 के डायरेक्शन में ही है, पर वो इधर से नहीं चल सकता, क्योंकि इधर से चलेगा तो 5 के सामने 5 आ जाएगा, तो इधर से वो नहीं चल सकता। तो वो क्या करेगा, इधर से चलेगा, तो इधर से इधर वो चल गया, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, 5' आ गया यहाँ, या 3' आ गया, बहुत सही, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही इसके आगे खुलेगा, मान लीजिए ये और खुल गया, और खुल गया, तो ये तो इधर इधर देखिए ये 3' है और ये 5' है, तो इसका जो ये 5, ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये तो लगातार अपना चलता जाएगा, क्योंकि इधर 3 के सामने 5 है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे की तरफ चलता जाएगा। लेकिन इसमें क्या है,
इसमें जैसे ही आगे खुला तो ये जो है 5' टू 3' इधर की तरफ चल चुका है, ठीक है, इधर की तरफ चल चुका है। अब इसके आगे तो नहीं जाना, इसे इधर तो नहीं जाना, अब जाना किधर है, इसे इधर जाना है ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ खुला है तो इसे ऊपर जाना है। तो ये तो ऊपर खुल रहा था, ये ऊपर की तरफ ही चल रहा था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग। ये इजीली चल रहा है, इसे बीच में कोई दिक्कत नहीं आई, पर ये जब खुला है ऊपर की तरफ, पर ये चला है किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, टूट गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तो बन गया, लेकिन अब तो वापस ऊपर खुल गया तो हमें फिर से बनाना, तो हमें वापस से क्या होगा, फिर से एक नया स्ट्रिंग बनेगा इसका, तो फिर ये वापस इधर 5 बनेगा, इधर 3 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे खुलता जाएगा ऐसे ही ऐसे इधर क्या इस वाले स्ट्रिंग के क्या होंगे, जब कॉपी होगी या रेप्लिकेशन होगा तो कैसा होगा, टुकड़ों में होगा, जो कि बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो है जोड़ दिए जाते हैं, बाद में जुड़ जाएंगे, लेकिन जब बन रहा है तो वो टुकड़ों में बनता है, क्योंकि ये लगातार चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी चलने की डायरेक्शन क्या है, उधर की तरफ नहीं है जिधर की तरफ खुल रहा है, इसमें क्या है कि जिधर की तरफ ये खुल रहा है उस उधर की तरफ ये चल रहा है, लेकिन तो इसलिए इसको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब इस वाले स्ट्रेन में हम बात करें तो ये खुल तो ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन इसे चलना किधर पड़ रहा है, नीचे की तरफ। इस कारण जो है इसमें जो है जो फ्रेगमेंट्स बनने लगते हैं, इसमें टुकड़े बनने लगते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं हम लोग इसे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बाद में भले ही जोड़ दिए जाते हैं, तो इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, 3' टू 5' को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रहा है, उसे ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन इसे लैगिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले स्ट्रैंड की जब रेप्लिकेशन हो रहा है, जब कॉपी हो रही है, तो क्या होता है, जो स्ट्रैंड है वो बीच बीच में टूट जा रहा है फ्रेगमेंट्स में, इस कारण इसे क्या कहते हैं, लैगिंग, और इसको क्या कहते हैं, लीडिंग। तो लीडिंग किसको कहते हैं, 3' टू 5' वाले को, और लैगिंग स्ट्रैंड किसको कहते हैं, 5' टू 3' वाले को। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस किस पे होगा, लीडिंग पे, और डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा, 5' टू 3' वाले पे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि नया जो बनता है वो 5' टू 3' ही बनता है। मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता पाऊँ। तो ये चीज़ें हो गई, अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम फिर से आते हैं। तो इसने हमसे क्या पूछा कि इसने हमें सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, इसने ऑलरेडी हमें सीक्वेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, सी ए जी टी सी जी जी ए टी, ये दे रखा है उसने, और एम आर एन ए का पूछा, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हमेशा। और ये दिया किसका है, नॉन टेम्पलेट का, नॉन टेम्पलेट कौन सा है, जिसका जिसकी कोडिंग नहीं होती। तो ये क्या होता है, लैगिंग, इसकी कोडिंग नहीं होती, कोडिंग किसकी होती है, जिसमें कंटिन्यूअस हो पाए, क्योंकि इसमें तो देख रहे हैं आप बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा है वो, तो इसकी कोडिंग नहीं होती। तो ये क्या, लीडिंग स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। देखिए बस, अगर आप डायग्राम समझ गए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप वो समझ गए हैं, तो आपको रटना कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा रटने का नहीं है कि इसकी डायरेक्शन, या फिर आप ये रटें कि ये किसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, किसको टेम्पलेट बोलते हैं, किसको नॉन टेम्पलेट बोलते हैं ना। तो इसका कोडिंग होता है तो आप कोडिंग स्टैंड बोल दीजिए, टेम्पलेट स्टैंड बोल दीजिए, ठीक है, और इसको नॉन टेम्पलेट बोल देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी आंसर आप अपने आप निकाल ले जाएंगे अगर आपने ये समझ लिया तो। तो इसको नॉन टेम्पलेट बोलते हैं। तो हमें इसने दिया किसका है, ये जो हमें दिया है इसने किसका दिया, नॉन टेम्पलेट का। तो नॉन टेम्पलेट से तो एमआरएनए बनेगा नहीं, ठीक है, नॉन टेम्पलेट से एमआरएनए बनेगा नहीं, वो बनेगा किससे, टेम्पलेट से। तो सबसे पहले तो हमें नॉन टेम्पलेट दे रखा, तो क्या आप टेम्पलेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने कहा ना, बस बॉन्डिंग देखनी है, नॉन टेम्पलेट हमें पता है तो हम टेम्पलेट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर जी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी की जगह सी आ जाएगा। इस तरह फिर यहाँ जी से सी, ए से टी और टी से ए, ये आ गया। ये आपको क्या मिल गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल गया, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल गया ये आपको। लेकिन उसने क्या आपसे टेम्पलेट का पूछा है, जी नहीं, उसने आपसे क्या पूछा है, एमआरएनए। तो एमआरएनए के लिए क्या होता है, एमआरएनए में बस यही ध्यान रखना है आपको कि जो अपोजिट तो होगा, लेकिन बस एक ही चीज उसमें डिफरेंट होती है, जो कि हम रेप्लिकेशन में जो हमने किया है उससे बस एक ही चीज जो है उसमें अलग होती है, वो क्या होती है, उसमें थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। मतलब जहां जहां थायमिन आना चाहिए वहां वहां क्या आ जाएगा, यूरासिल, ठीक है, टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाता है। तो बस आपको यही करना है। तो देखिए यहाँ क्या, जब हम इसकी वापस से एमआरएनए बनाएंगे तो फिर से इसका अपोजिट आएगा,
तो वहां से जी से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, टी से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहां ए से क्या आ जाएगा, टी। लेकिन क्या है बनाना हमें, एम आर एन ए, ये बस ध्यान रखिएगा। ए की जगह क्या आना चाहिए था, टी, पर यहां टी की जगह नहीं आएगा, यहां क्या आ जाता है, यू, यू आ जाता है, फिर जी से सी, सी से जी, ये अपने आप आ जाएगा, ये सी से क्या आ जाएगा, जी, टी से क्या आ जाएगा, ए, ए की जगह यहां टी आना चाहिए था, पर टी किससे एमआरएनए में रिप्लेस हो जाता है, यू से, मतलब यूरासिल से, तो ये आ जाएगा। अब उसने आपको चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है, तो आप मिला लीजिए सी ए जी, यू सी जी और जी ए यू। देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, उसमें एमआरएनए का सही स्ट्रेन पता चला है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए ही ले आऊं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए आपसे इतना पूछे, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत नहीं करवाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, चैप्टर से रिलेटेड जहां दिक्कतें आती है वो चीज आपके क्लियर कर देगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो इसको आप भी उसी तरह, आप इसको कुछ रटने की कोशिश मत कीजिए, जो जो मैंने समझाया बस उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो थर्ड नंबर, वो हमसे क्या कहता है, ये क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पिटूनिया प्लांट। ठीक है, पिटूनिया प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहा है कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको पिटूनिया ये याद होना चाहिए कि कौन सी फैमिली का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपकी तीन फैमिली दे रखी है, फोबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। आपको उसके एग्जांपल बस याद करिए और उससे याद रखिए कि कौन सा जो एग्जांपल है वो किस फैमिली से है, और उनके करेक्टर याद रखिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, आप उतना याद रखेंगे आपके लिए सफिशियंट है। तो पिटूनिया जो प्लांट है वो किस में आता है, सोलेनेसी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से हमसे पूछा कि कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला सही है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोलेनेसी फैमिली है, अगर मैं फ्लोर बनाऊँ, ठीक है, कोई सा मैं ये फ्लोर बना रहा हूँ, इसमें आप जानते हैं इस तरह से कुछ, इसमें ये एंथर होता है, ठीक है, और नीचे, तो हमारे जब हम एक फ्लोर की बात करते हैं तो उसमें चार चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, कैलिक्स होता है, कैलिक्स, इसको हम किससे शो करते हैं, के से। फिर क्या होता है, कोरोला होता है, उसको हम क्या शो करते हैं, सी से। फिर एक गाइनोसियम होता है ना, एंड्रोसियम होता है, तो गाइनोसियम को हम ए से, जी से शो करते हैं, और एंड्रोसियम को हम ए से शो करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो हमें इसमें जानना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी। अब जो आपको जो पहला जो आप साइन देख रहे हैं सभी में ऑप्शन में है, एक एक सा ही साइन दे रखा है प्लस का, ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है एक्टिनोमॉर्फिक का। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक का ये साइन होता है, और जो ऐसा साइन अगर आपको कहीं मिले तो ये किसका होता है, जाइगोमॉर्फिक का ये साइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्टिनोमॉर्फिक जो है एनसीईआरटी में, जाइगोमॉर्फिक सिर्फ आपका जो एनसीईआरटी में आपकी तीन फैमिली दी है, जिसमें से सोलेनेसी फैमिली जो है वो सिर्फ जो है जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दोनों क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, बाकी सोलेनेसी और लिलिएसी क्या है, सॉरी, जाइगोमॉर्फिक जो है फोबेसी फैमिली है। फोबेसी फैमिली जो है, जो मटर वाली, जो मटर जो है वो पी होती है, उसकी जो फैमिली है वो क्या है, सिर्फ वो क्या है, सिर्फ जाइगोमॉर्फिक है, और बाकी दोनों क्या है, सोलेनेसी की बात करें या लिलिएसी की बात करें तो ये दोनों क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक हैं। तो आपको ये, हालांकि इसने ऑप्शन में एक भी जाइगोमॉर्फिक नहीं दिया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फोबेसी फैमिली का कोई दिखे तो आप ये समझ लेंगे कि इसमें साइन क्या आएगा, ये आएगा। उसके बाद जो दूसरा साइन है वो इस तरह का है, वो क्या बताता है, ये बताता है बाइसेक्चुअल को, कि इसमें क्या है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों फ्लावर प्रेजेंट है। देखिए ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं जरूरी है कि हर फ्लावर में एंड्रोसियम भी और गाइनोसियम भी हो, है ना, ऐसा भी होता है कि फ्लावर जो है बाइसेक्चुअल भी होता है या यूनिसेक्चुअल भी होता है, एक फ्लावर मेल या फीमेल, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या फिर बाइसेक्चुअल हो सकता है।
तो एनसीईआरटी में जो आपकी तीनों फैमिलियां हैं वो तीनों ही बाइसेक्चुअल हैं, तो आपको इसमें या आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर हमेशा बाइसेक्चुअल के साथ जाना है। तो ये चीज़ किसको बताता है? बाइसेक्चुअल को बताता है। अब अगर आप एक फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ कैलिक्स की, तो कैलिक्स क्या होती है? छोटी छोटी हरी हरी जो आप फूल लेते हैं तो उसमें नीचे जो उसकी डंडी होती है उसके, और जहाँ से वो पंखुड़ियाँ जुड़ी होती हैं, जो पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ जुड़ी रहती हैं वहाँ उसके नीचे हरा हरा छोटा छोटा सा जो आप देखते हैं स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? वो कैलिक्स होता है। और रंग बिरंगी पत्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती है? कोरोला होती है। तो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं तो हम सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कैलिक्स सबसे बाहर होता है, कोरोला अंदर, फिर उसके बाद जो है हम एंडोसियम और गाइनोसियम की बात करते हैं, ठीक है? अब जो इसने दे रखा है पेरिपेटलस, ये कंडीशन इसने ऐसा जोड़ के दिखा रखा है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरिपेटलस। मतलब एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम जो है वो कोरोला से अटैच्ड है, ठीक है? एंड्रोसियम जो है कोरोला से अटैच्ड है, ये बताता है इस चीज को पेरिपेटलस, इसको हम पेरिपेटलस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम पेरिपेटलस बोलते हैं क्योंकि जो कैलिक्स है, कैलिक्स है वो किससे बना, मिलकर बना होता है? सेपल्स से, और ये किससे बना होता है? पेटल्स से, ठीक है? मतलब हम कोरोला को पेटल्स भी बोल सकते हैं, कैलिक्स को सेपल्स भी बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो जो क्योंकि अगर एंथर अगर कोरोला से जुड़ा हुआ है तो क्योंकि हम उसे पेटल्स बोलते हैं इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे? पेरिपेटलस, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें थी ये जानने वाले। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, जी अपर और जी ऐसे भी हो सकता है। तो जी अगर इस लाइन के ऊपर है तो हम इसे क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवेरी, ठीक है? सुपीरियर ओवेरी। और अगर इसके नीचे है तो इन्फीरियर ओवेरी। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, याद रखने कोई बात नहीं है। तीनों जो फैमिली है एनसीईआरटी की वो सुपीरियर है, वो उसमें ये साइन आएगा, सुपीरियर ओवरी है तीनों ही फैमिली, इन्फीरियर कोई नहीं है। स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाता है कि जो बाकी चीज़ें होती है, जो अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये गाइनोसियम है तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये इसके क्या होंगी? नीचे होंगी, और ये चीज़ क्या होगा? ऊपर होगा। तो अगर ओवेरी ऊपर है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवेरी। अगर ओवेरी नीचे, जैसे कि इसमें कि ओवेरी यहाँ नीचे की तरफ है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इन्फीरियर ओवेरी। इस तरह से बात है। अब जो है सभी में किसी में ब्रैकेट में टू दे रखा है जी के पास, किसी में थ्री, तो ये क्या बताते हैं? लॉक्यूल को, कि जो ओव्यूल है उसमें कितने लॉक्यूल हैं, ठीक है? ये लॉक्यूल को बताता है। जैसे ये ओवेरी है, ओवेरी में क्या होते हैं? ओवेरी है ये, तो ओवेरी दो लॉक्यूल में बटा है, तीन में बटा है, इस चीज़ को ये बताता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जो और मतलब समझना है, ये क्या है कि जैसे कि इसने कहीं फाइव लिख रखा है, फाइव को कभी इसने ब्रैकेट में लिख रखा है, कभी ओपन लिख रखा है, तो उसमें क्या होता है? फाइव मतलब क्या हुआ? अगर के आगे फाइव लिखा इसका मतलब क्या है? कैलिक्स फाइव है। सी के आगे फाइव लिखा इसका मतलब कोरोला फाइव है। अगर ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या है? ये फ्यूज्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर ये सीधा ओपन लिखी ओपन है तो इसका मतलब ये एक दूसरे से टच में नहीं है, एक दूसरे से अलग है। तो ये बस इसका मतलब होता है। तब जो है अगर आप सोलेनेसी फैमिली पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा कि उसमें कैलिक्स भी पाँच होते हैं, कोरोला भी पाँच होते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। और सोलेनेसी फैमिली में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फोबेसी आता है, तो उसमें क्या होता है? एक जो होता है लॉक्यूल होता है, उसके बाद सोलेनेसी में दो होता है और लिलिएसी में तीन होता है। तो जो जी के साथ जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। और जो ओवेरी होगी वो कैसी होगी? सुपीरियर। तो सबसे पहले हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला खुद से देखते हैं, जो जो चीज़ें हमें सोलेनेसी के बारे में पता है उससे। तो सोलेनेसी के बारे में हमें सबसे पहले पता क्या चल गया? कि ये सोलेनेसी कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है? दूसरा क्या है? कि ये बाइसेक्चुअल है। उसके बाद क्या है? कैलिक्स क्या है इसमें? पांच है जो कि फ्यूज्ड है। फिर कोरोला कितने? पांच है जो कि फ्यूज्ड है। उसके बाद क्या है इसमें? कि एंड्रोसियम जो है वो भी पांच होता है जो कि पेरिपेटलस होता है, और जो गाइनोसियम होता है वो सुपीरियर होता है, और दो लॉक्यूल होते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला होगा। तो इसके साथ ही हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने अभी फिफ्थ क्वेश्चन नहीं लिखा था क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था। अभी मैं
चारों क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन को लिखूंगा और आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है कि इन लैक ऑपेरॉन नॉनसेंस म्यूटेशन इन सिस्ट्रोन जेड लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लैक ऑपेरॉन की बात करूं तो मैं लैक ऑपेरॉन कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। लैक ऑपेरॉन काफ़ी समझने वाली चीज़ है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ उसमें कुछ चीज़ें आपको जानना, हालांकि मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं बनाऊंगा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा, पर मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक इनहिबिटर प्रोटीन होता है जिसे हम रेगुलेटर जीन कहते हैं, उसके बाद क्या है प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर जीन होता है, उसके बाद क्या है ऑपरेटर होता है, और उसके बाद क्या स्ट्रक्चरल जीन होती है, उसमें क्या होता है जेड वाई और ए, ये क्या होती है स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले क्या होता है, ये आई से क्या होता है इनहिबिटरी जीन होता है, इनहिबिशन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करते हैं तो इनहिबिटरी, इसमें क्या होता है देखिए प्रोमोटर रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चर जीन, चार तरह का इसमें स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो रेगुलेटर जीन क्या होता है ये इनहिबिटरी प्रोटीन बनाता है, वो इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करता है, ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन बनाएगा, वो क्या होता है इससे जा करके अटैच हो जाता है, वो इससे जाके ऑपरेटर से अटैच हो जाता है। तो ऑपरेटर जो क्या है ये क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज इसको जुड़वाता है किससे प्रोमोटर से, ठीक है, इसको प्रोमोटर से जुड़वाता है। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ जाता है तो क्या होता है सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो है ये जितने भी स्ट्रक्चरल जीन है उनसे एंजाइम का सिंथेसिस होता है, जैसे कि जेड से किसका होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, वाई से क्या होता है परमिएज का, और ए से क्या होता है ट्रांसएसिटिलेज का, इनका सिंथेसिस होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको काम याद रखना है, तो होता क्या है ऑपरेटर का क्या काम है, ऑपरेटर का काम बस सबका आप काम याद रखिए कि ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को किससे जुड़वाता है, इसको अटैच करवाता है, इसको किससे अटैच करवाता है प्रोमोटर से अटैच करवाता है, ये इसका काम है प्रोमोटर जीन से अटैच करवाता है। और जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से अटैच नहीं होगा तब तक पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रोमोटर मतलब प्रोमोट करना, तो प्रोमोट करने के लिए उससे जुड़ना जरूरी है, और उसको ऑपरेट कौन करता है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से अटैच करवाता है और तब जाकर के सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं लैक ऑपेरॉन की, तो उसमें क्या होता है सब नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें लैक ऑपेरॉन में, लैक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लैक्टोज होता है, तो होता क्या है इसमें होता क्या है देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन बनाता है ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो है जा करके ऑपरेटर से जुड़ जाती है, तो ऑपरेटर से जुड़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है ये ऑपरेटर ऑफ रहता है, जब ऑपरेटर ऑफ रहता है तो उस दौरान कोई सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि ऑपरेटर जब खुद काम नहीं कर पाता है तो ना आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जोड़ ही नहीं पाएगा, और जब नहीं जोड़ पाएगा तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही रहता है कि ये जो ऑपेरॉन है ये बंद रहता है, लैक ऑपेरॉन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये बंद रहता है, लेकिन जब हम इसमें इंड्यूस करते हैं कुछ, ठीक है, इंड्यूस क्या करते हैं इसमें लैक्टोज का हम इंड्यूस करते हैं इसमें लैक्टोज को, तो लैक्टोज जब इंड्यूस होता है तो वो क्या करता है ये रेगुलेटर जीन ने जो प्रोटीन बनाया हुआ है उससे जाकर के ये जुड़ जाता है, तो वो इससे जाकर के जुड़ जाता है तो वो क्या होता है ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता है, तो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता है तो ऑपरेटर अपना काम बखूबी कर पाता है, और वो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जोड़ देता है और सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है।
तो ये पूरा का पूरा होता है लैकोपेरोन में, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन, बस इतना सा आपको याद रखना है कि प्रोमोटर ऑपरेटर का काम है प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना, रेगुलेटर क्या करता है कि वो इनहिबिटरी प्रोटीन बनाता है जो कि ऑपरेटर को नॉर्मल कंडीशन में उसे उसके साथ बाइंड होकर के उसको काम नहीं करने देता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें मीडियम में लैक्टोज को डालते हैं तो वो क्या करता है, इस प्रोटीन से लैक्टोज जुड़ जाता है और इस प्रोटीन को ऑपरेटर से नहीं जुड़ने देता, जिसके कारण जो ये लैकोपेरोन है ये ऑन हो जाता है, मतलब ऑपरेटर जो है अपना काम करने लग जाता है और वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जोड़ देता है और आरएनए पॉलीमरेज फिर इस स्ट्रक्चर पे सिंथेसिस स्टार्ट करता है और अपना सिंथेसिस करता है। तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि जड़ से कौन सा सिंथेसिस होता है, तो जड़ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये सिंथेसाइज होता है, वाई से परमेज और ए से ट्रांस एसिटिलेज, तो ये है। लेकिन आपका आंसर जो है बहुत ही सिंपल था, उसमें मैं सीधा बता सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको ये पूरा पता चल जाए क्योंकि कल को क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकता है। तो बस जो मैंने चीज़ें आपको जो तीन चीज़ें बताई है वो याद रखना है, ऑपरेटर का काम आपको याद रखना है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जोड़ेगा तभी जा करके पॉलीमराइजेशन होगा, किससे जुड़ेगा प्रोमोटर से, और रेगुलेटरी जीन क्या करता है नॉर्मल, जो अगर हम नॉर्मल लेके चले तो इनहिबिटरी प्रोटीन बनाए रखता है जो कि ऑपरेटर से बाइंड करके उसको काम नहीं करने देता, लेकिन जब हम मीडियम में डालेंगे लैक्टोज तो फिर वापस वो बाइंड कर जाएगा प्रोटीन से और ऑपरेटर खाली हो जाएगा और वो अपना काम कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो नॉर्मल अगर आपसे पूछे कि लैकोपेरोन ऑन रहता है या ऑफ रहता है तो आप क्या कहेंगे, ऑफ रहता है, जब तक हम उसमें लैक्टोज नहीं डाल देते मीडियम में वो ऑफ रहेगा, जब लैक्टोज डालेंगे तब जा करके वो ऑन होता है। तो ये चार क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जिटेनोगैमी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तीन चीजें होती हैं, ऑटोगैमी, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा है जिटेनोगैमी, और तीसरा होता है जीनोगैमी। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए इसको कहते हैं स्वपरागण, जिटेनोगैमी को कहते हैं सजात पुष्पी परागण और जीनोगैमी को कहते हैं परपरागण। ठीक है, ठीक है, तो ये हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, सजात पुष्पी परागण, जिटेनोगैमी के बारे में। तो इसमें होता क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे प्लांट है दो तरह की चीज़ें हो सकती है, ये प्लांट है इसमें फ्लावर होते हैं, ठीक है, फ्लावर होते हैं, ये दूसरा प्लांट है इसमें भी हैं फ्लावर्स। तो इसमें होता क्या है, जो फ्लावर है ये मैंने अभी आपको बताया था कि वो बाइसेक्चुअल या मोनोसेक्चुअल दोनों हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि फ्लावर जो है सिर्फ मेल हो या सिर्फ फीमेल हो, है ना, या फिर बाइसेक्चुअल हो, दोनों हो, तो ये ज़रूरी नहीं। देखिए तो ऐसा हो सकता है कि फ्लावर जो है वो मोनोसेक्चुअल है, मतलब ये मेल प्लांट मेल है, फ्लावर क्या है मेल है, तो ऐसा नहीं है कि इसके सारे जो फ्लावर होंगे इस प्लांट पे सारे, जरूरी नहीं कि एक मेल है तो सारे मेल, हो सकता है कोई मेल है तो कोई फीमेल है, ऐसा हो सकता है। मतलब एक पेड़ पे ये भी पॉसिबल है कि एक फूल के अंदर ही आपको दोनों सेक्स देखने को मिल जाए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों, या फिर ये भी हो सकता है कि एक पेड़ पे आपको एक फूल में मेल सेक्स मिले और दूसरे में फीमेल मिले, ये पॉसिबल है। तो इसी में हम बात करते हैं, तो ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी मतलब एक ही फूल के अंदर, तो बात आ गई क्या, एक ही फूल के अंदर, मतलब फूल कैसा होना चाहिए, बाइसेक्चुअल होना चाहिए, एक ही फूल के अंदर जब आपस में पॉलिनेट होकर के जब जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। तो उसके लिए क्या है, ऑटोगैमी के लिए कंपल्सरी क्या है कि फ्लावर क्या है एक ही होना चाहिए, प्लांट तो अपने आप ही एक हो जाएगा क्योंकि फ्लावर एक है, तो एक ही फ्लावर के अंदर, तो आपके लिए इसमें कंपलसरी क्या पता चल गया कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्चुअल। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन घुमा के पूछे तो जो ऑटोगैमी के लिए कैसा फ्लावर चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, बाइसेक्चुअल, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर जो है पॉलिनेशन होगा, तो एक ही फ्लावर के अंदर के लिए क्या हमें मेल और फीमेल दोनों जो पार्ट हैं वो एक ही फ्लावर में चाहिए, तो वहाँ जो पॉलिनेशन होगा, जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चले जाएंगे, एक ही फ्लावर से एक के ही स्टिग्मा पे जब चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑटोगैमी। अब बात करते हैं जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर के अंदर, एक पुष्प के अंदर पॉलिनेशन नहीं होता है,
एक से दूसरे पुष्प पे होता है। अब एक से दूसरे पुष्प में ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चले जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया, फ्लावर चेंज हो गए। तो इसमें क्या फ्लावर चेंज होगा, लेकिन फ्लावर तो चेंज होगा जिटेनोगेमी में, लेकिन जो पेड़ है वो चेंज नहीं होगा, पेड़ जो है वो ट्री है वो वही रहेगा। तो इस कारण इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ऐसा प्लांट चाहिए होता है जिसमें कि दोनों सेक्स वाले जो फ्लावर हैं वो प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर जो है प्रेजेंट हो। तो उस दौरान जो पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी। ठीक है, तो ये मान लीजिए जो मेल फ्लावर है और ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन्स इस पे पहुँचेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी। ठीक है, ये ऑटोगेमी नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें फ्लावर चेंज हो गया है लेकिन पेड़ एक ही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी। अब बात करते हैं जीनोगेमी, तो इसमें क्या होता है, पेड़ ही चेंज हो जाता है ना। तो एक पेड़ के फ्लावर से जो पोलन ग्रेन से वो दूसरे पेड़ के फ्लावर पे जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, जीनोगेमी। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए, मैंने अभी आपको यही बताया कि प्लांट जो है वो सेम ही रहेगा, फ्लावर जो है वो चेंज होंगे बस। तो सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, जिटेनोगेमी। तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है। फिर इसने सेकंड ऑप्शन बोला जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन ये क्रॉस पॉलिनेशन हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि जो एक क्योंकि प्लांट सेम है इसमें, तो प्लांट सेम है तो जो फ्लावर है उनके जीन भी तो सेम ही होंगे, चाहे ये ऊपर वाला फ्लावर हो चाहे नीचे वाला फ्लावर हो, दोनों के जीन क्या है, सेम ही होंगे। तो जीन सेम होने के कारण अगर हम बात करें तो ये पॉलिनेशन आपको क्या लगेगा, सेल्फ पॉलिनेशन लगेगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं लगेगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जीन डिफरेंट हो जाएंगे कि जैसे ही दो प्लांट आ गए तो उनके जीन वेरी कर जाएंगे, लेकिन जब सेम प्लांट है तो जीन सेम होगा। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। पर आ गया थर्ड ऑप्शन, क्या कर रहा है, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब अगर फंक्शनली देखी थी क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्यों कह रहे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कोई भी एजेंट चाहे वो वाइंड हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाते हैं। मतलब कोई ना कोई एजेंट जो है वो काम करता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, तो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू वो जा रहे हैं, तो कोई ना कोई फंक्शन इसमें कर रहा है। तो इसलिए हम फंक्शनली क्या कहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। जी नहीं, जेनेटिकली ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है क्योंकि दोनों फ्लावर के क्या है, जीन सेम है, क्योंकि प्लांट सेम है। तो इसी तरह से जो हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसी तरह से हमारे पांचों क्वेश्चन जो है खत्म हुए। आशा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।